लॉकडाउन में जहाँ सभी लोग घर में हैं, खाने पीने की डिमांड्स चलती ही रहती है, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हम सभी के ऑल टाइम फेवरेट क्रिस्पी कुरकुरे आलू पकौड़े। अब ऐसे आलू के पकौड़े बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन आज के ये आलू के पकौड़े हम बिना बेकिंग सोडा बिना बेकिंग पाउडर बनाएंगे। बहुत ही करारे हल्के फुल्के एकदम क्रिस्पी तैयार होंगे। तो क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जो आपके आलू पकौड़े को बना देंगी एकदम क्रिस्पी कुरकुरा, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है, प्लीज घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों के साथ एंजॉय कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्रिस्पी आलू के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 कच्चे आलू यानी रॉ पोटैटोस। सबसे पहले हम आलू को छील लेंगे, और ये लीजिए मैंने आलू को बिल्कुल अच्छे से छील लिया है, इसे पानी में डाल दिया है जिससे कि ये काले ना पड़े। अब हमें आलू की करनी होगी स्लाइसेस। जो हम स्लाइसेस करेंगे फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम बिल्कुल पतली करें। ज्यादा मोटी मोटी स्लाइसेस कर देंगे तो आलू के पकौड़े ना तो उतने क्रिस्पी बनेंगे और आलू भी अंदर से पक नहीं पाएगा। अब पतली पतली स्लाइसेस करने के लिए ये मैंने लिया है पोटैटो स्लाइसर, जिसे हम आलू के चिप्स स्लाइस करते हैं ना, बस ये वही वाला मैंने ले लिया है। जो भी आपके घर में हो तो वो ले लें, या आप चाकू से भी पतला पतला काट सकते हैं। तो एक हम लेंगे आलू, और इस पर हम इसका जैसे चिप्स के लिए करते हैं ना स्लाइसेस, उसे जरा सी मोटी हमें स्लाइस करनी होगी। बिल्कुल इस तरह से हमें स्लाइसेस इसकी तैयार करनी होगी। ये देखिए, पतली पतली स्लाइसेस करेंगे तभी हमारे जो आलू के चिप्स है वो क्रिस्पी और बढ़िया बनेंगे। तो सभी को हम इसी प्रकार स्लाइस कर लेंगे। अगर आप नाइफ से कर रहे हैं तो बिल्कुल नाइफ से भी हम इसी प्रकार स्लाइसेस को कर लेंगे। इसे अलग हटा देंगे, और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल पतली पतली, इस तरह आप नाइफ से भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों ही आलू की अच्छी तरीके से स्लाइसेस कर ली हैं और सबको मैंने पानी में डाल दिया है जैसे कि ये काले ना पड़े। तब तक तैयारी करते हैं घोल बनाने की, यानी बेसन के बैटर की। अब हम लेंगे एक बोल या एक बर्तन, और बर्तन में मैं ले रही हूँ 2 कप बेसन। मेजरमेंट के लिए एक कोई कप सेट कर लीजिए, उसके अनुसार आप सब चीज ले सकते हैं। तो इस कप से मैं 2 कप लूंगी, 1 कप ये ले लिया बेसन। यहाँ पर मैंने एक बार छान लिया है जैसे कि जब हम घोल बनाएं तो कोई भी लम्स ना पड़े। फाइन बेसन से पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं, अगर आपके पास नॉर्मल बेसन है आप वो भी ले सकते हैं। तो ये हो गया 2 कप। अब पकौड़े को एकदम क्रिस्पी बनाने के लिए जो जरूरी टिप है वो है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप चावल का आटा यानी कि राइस फ्लोर। 1/4 कप का अर्थ हो गया इस चम्मच से, यानी बड़ी वाली चम्मच से 4 से 5 बड़े चम्मच हमें चावल का आटा डालना है। वैसे आप पकौड़े इसके बगैर भी बना सकते हैं, पर चावल का आटा डालने से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, तब आपको कोई खाना सोडा वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आप पूछेंगे कि पारुल, अगर चावल का आटा ना हो तो क्या करें? तब आप यहाँ पर अरारोट होता है ना, अरारोट पाउडर डाल सकते हैं सेम क्वांटिटी में, या फिर कॉर्नफ्लोर जिसे हम कॉर्न स्टार्च बोलते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, तो इस तरह से थोड़ा सा क्रश करके डालें जिससे कि इसका फ्लेवर हमारे पकौड़े में बढ़िया से आ जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसको चटपटा बनाने के लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 2 पिंच हींग बहुत बढ़िया लगती है इसमें, पर डालना ऑप्शनल है। और अपने क्रिस्पी पकौड़े को और भी बढ़िया और भी अच्छी लुकिंग आने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स यानी कि मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर हो तो डालिए वरना इसके बगैर आप बना सकते हैं। बढ़िया से कलर के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, जिसे थोड़ा बढ़िया कलर आ जाए, ज्यादा बिल्कुल नहीं डालनी है। और फाइनली इसमें फ्रेशनेस के लिए जाएगा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और आप सब चीजों को अच्छे से कर लेंगे ड्राई मिक्स। अब जैसे मैंने यहाँ अजवाइन डाली है, अगर आप अजवाइन का फ्लेवर नहीं लाइक करते तो यहाँ थोड़ा सा जीरा डाल लें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, यानी हमें बनाना है इसका बैटर। तो उसके लिए जिस कप से मैंने बेसन लिया था ना, उसी कप से मैंने यहाँ 1 कप पानी लिया है, जरूरत अनुसार और ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जिससे कि गुठली यानी लम्स ना बने, और एक विस्कर या स्पून की मदद से अच्छे से फेटेंगे। जितना बढ़िया आप इसे फेटेंगे उतना ही हल्के फुल्के हमारे क्रिस्पी पकौड़े तैयार होंगे। हमें इसका पतला घोल बनाना है, ना ही बहुत ज्यादा पतला ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा, एक मीडियम पतला बोल सकते हैं हमें घोल तैयार करना होगा। अभी हमारा घोल बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो हम बचा हुआ पानी भी डाल देंगे। अभी भी हमारा घोल गाढ़ा है, इसका इंडिकेशन आपको ये बता रही हूँ, जैसे आप इसको ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं ना तो देखिए अभी रिबन रिबन से बन रहे हैं, यानी थोड़ी थोड़ी नीचे देखने पर
शेप सी दिखाई दे रही है। हमें ऐसा कूल तैयार करना है कि जब हम ऊपर से ड्रॉप करें तो नीचे जाने पर वो उसमें मिक्स हो जाए, उसको रिबन जैसी कंसिस्टेंसी का बना के नहीं रखना है। तो अभी थोड़ा पानी इसमें और डालेगा, तो जो बचा हुआ पानी है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, यानी एक कप पानी पूरा लग गया है। अब चेक करते हैं और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी। जब मैं ऐसे ड्रॉप कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं नीचे जाके उसी में घुल जा रहा है, कोई शेप नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी हमें रखनी होगी। मैंने गैस पर कढ़ाई रखकर उसमें कुकिंग ऑयल डालकर गर्म होने रख दिया था। तो यहाँ अब नेक्स्ट स्टेप, हम अपने बैटर में डालेंगे यानी घोल में डालेंगे 2 चम्मच गरम तेल। ये मैं ले रही हूँ कढ़ाई से गरम तेल, तो ये 1 चम्मच गरम तेल, 2 बड़ा चम्मच, तो ये पूरे 2 बड़े चम्मच गरम तेल मैंने इसमें डाला है, जिससे जो हमारे आलू के पकौड़े हैं वो एकदम क्रिस्प के साथ बनेंगे बढ़िया। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अच्छे से कर देंगे मिक्स। और ये जो हमने आलू की स्लाइसेस तैयार की थी, अब हम क्या करेंगे, एक हम लेंगे टॉबल और टॉबल पर सारी स्लाइसेस निकाल करके थोड़ी सी ड्राई कर लेंगे, यानी कि पानी थोड़ा सा हटा लेंगे। तो मैंने इस तरह से सारी स्लाइसेस को एक टॉवल पर डाल दिया, जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। तो फिर जब हम डिप करेंगे घोल में तो हमारा घोल की कंसिस्टेंसी खराब नहीं होगी, यानी वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। गीली स्लाइस डालते तो घोल और पतला हो जाता। तो यदि आप गीली स्लाइसेस डायरेक्ट डालना चाहते हैं, ये स्टेप नहीं करना चाहते, तो फिर जो घोल है आप थोड़ा गाढ़ा बनाएं। चलिए, तो ऑयल हो गया है बिल्कुल बढ़िया गरम। जरूरी पॉइंट, यहाँ पर हमें ऑयल बहुत अच्छा गरम चाहिए, तो फ्लेम को थोड़ा हाई करके आप ऑयल को पहले बढ़िया गरम कर लें, ऐसा कि जब हम पकौड़े डालें तो एकदम से बुलबुले आने चाहिए उसमें। हम एक स्लाइस लेंगे, इस तरह से बेसन के घोल में करेंगे डिप और इसको एक्स्ट्रा हटाते हुए हम गरम कढ़ाई में डाल देंगे। और फ्लेम को यहाँ पर मैंने अभी हाई टू मीडियम के बीच में रखा हुआ है, तो सभी स्लाइसेस को बिल्कुल इसी प्रकार डालेंगे। मैं पहले आपको 3 स्लाइस करके दिखा रही हूँ क्या करना है हमें। और इसके बाद अब एक करछी से हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर इस तरह डालेंगे, इससे क्या होगा कि जो ऊपर की लेयर है वो बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बनेगी। और उलटते पुलटते हम इसको गोल्डन सेक लेंगे। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए है ना, एकदम फूल गया ना, बढ़िया, बहुत ही प्यारा कलर आ गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे, ये देखिए बने हैं ना एकदम फूले फूले कुरकुरे करारे हमारे पकौड़े। ना कोई बेकिंग सोडा डालने की जरूरत पड़ी, ना कोई बेकिंग पाउडर, बस आपको इसी तरह से सारे पकौड़ों को तैयार करना है। और सभी पकौड़ों को बिल्कुल इसी तरह डिप करके हम डालेंगे। फ्लेम को जब ज्यादा तेल गर्म हो तो थोड़ा सा मीडियम कर दें, बहुत मोटी लेयर नहीं चढ़ाएंगे। बेकिंग सोडा आप डालना चाहते हैं तो 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, उससे फूले हुए तो पकौड़े बन जाएंगे लेकिन वो सॉफ्ट हो जाते हैं और ऑयल भी ज्यादा पीते हैं। इसलिए आप अगर इस तरह से बिना बेकिंग सोडा बनाएंगे तो आपके जो पकौड़े हैं वो अंदर तक क्रिस्पी करारे और साथ के साथ ऑयल नहीं अब्सॉर्ब करेंगे। देख रहे हैं ना आप, पकौड़े सारे फूल गए हमारे, अब इन्हें पलट देंगे। शायद मुझे कहने की भी जरूरत नहीं, आप खुद ही देख सकते हैं कि एक एक पकौड़ा फूला हुआ और कितना क्रिस्पी बना है। फ्लेम को मैंने यहाँ थोड़ा सा मीडियम कर दिया है, जिससे कि पकौड़े एकदम बढ़िया से सिक जाएं। बहुत तेज में करेंगे लगातार तो क्या होगा कि बाद में वो उतने क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो एकदम बढ़िया गर्म तेल में डालिए और फिर उसके बाद थोड़ा सा फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और उलटते पुलटते हम इसको गोल्डन कर लेंगे। चलिए बढ़िया सिक गए हमारे पकौड़े, पकौड़े एकदम मस्त तैयार हुए हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। सुपर्ब, ये देखिए बने ना एकदम फूले फूले, एकदम परफेक्ट। मन कर रहा है ना गर्मा गर्म खाने का। यहाँ तो मेरे यहाँ बारिश भी हो रही है, चाय भी मेरी तैयार है। सच मानिए इतने टेस्टी पकौड़े बने हैं ना कि आप भी बनाइए, खुश हो जाएंगे सभी लोग। तो इसी तरह सारे पकौड़े तैयार करते हैं। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे क्रिस्पी करारे झटपट बनने वाले आलू के कुरकुरे पकौड़े। ये देखिए क्या फूल फूल के बने हैं, लग रहे हैं ना बढ़िया। देखा बने हैं ना एकदम मस्त, आप देख रहे हैं ना, देखिए किस तरह से ये परत पूरी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि चिपक गई हो, एकदम फूली फूली बनी है, इसलिए देखिए इस तरह बिल्कुल अलग है। ये इंडिकेशन है बढ़िया पकौड़े का, एकदम जबरदस्त बनते हैं फ्रेंड्स, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए, मजा आ जाएगा खाकर।
मैंने यह पकौड़ों को सर्व किया है हरी धनिया की चटनी, शेजवान सॉस और मेयोनीज के साथ। जरूर बनाइए और सभी तरीके की चटनी की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या फिर आप सर्व कर सकते हैं इस तरह से चाट मसाला डाल करके, और इसको गर्म गर्म चाय के साथ इसी तरह एंजॉय करें। किसी भी चटनी सॉस वगैरह की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरी टिप से बनाइए, आपके भी आलू के पकौड़े एकदम क्रिस्पी बनेंगे बगैर कुछ बेकिंग सोडा वगैरह डाले हुए। तो बस आपको वही चीजें फॉलो करनी है। और आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने बनाए थे, पूरी प्लेट लगाई, स्टिल ये अभी तक बिल्कुल फूले हुए बने हुए हैं, पिचके बिल्कुल भी नहीं है। एकदम बढ़िया क्रिस्पी आलू के पकौड़े आप इस तरह से बना सकते हैं। एक भी आलू आपको अंदर से कच्चा नहीं निकलेगा, बिल्कुल बढ़िया पका हुआ क्रिस्पी। तो इस लॉकडाउन में जरूर बनाइए, सबको दीजिए कुरकुरे आलू पकौड़े का सरप्राइज। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 फ्रेंड्स ढेर सारे लाइक कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड्स सोशल साइट्स पर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह अपना प्यार मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक पर भी जरूर दें। सभी रेसिपीज की डिटेल्स आप मेरी वेबसाइट cookwithparul.com पर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।